बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन विद तैना में आज हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट चना चाट। आप इसे व्हाइट चने भी कह सकते हैं। जैसा मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चना चाट के लिए हमने चनों को भिगो दिया था तकरीबन रात को। अब आप जितने चने चाहें अपने हिसाब से अगर आप लें और उसको सारी रात भिगो दीजिए। उसके बाद हमने इसको सुबह बॉयल कर लिया था, थोड़ा सा नमक डाल के और इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड कर दिया था हमने। अगर आप सारी रात नहीं भिगो रहे हैं तो कम से कम वाइट चनों को तीन से चार घंटे भिगोना लाजमी होता है। तो हमने इनको भिगो दिया था और इनको बॉयल करके रख लिया है। अब हम फिर वक्त जितने चने की हमें जरूरत है हम एक बाउल चने बना रहे हैं, जिसमें हमने लिए हैं तकरीबन जो हम चने ले रहे हैं बॉयल किए हुए तकरीबन ये मेरे पास 2 कप है। मेरा कप बड़ा था तो मैं आपको उसी हिसाब से तकरीबन, आप मेरा बाउल देख रहे हैं, आप एक बाउल भी ले सकते हैं ये जो मैंने यूज किया है। बाकी मैंने पैकेट बना के रख दिए हैं और जब मुझे बनाने होंगे तो मैं निकालूंगी और बस बना लूंगी। इन चनों में मैं अब डालूंगी, मैंने आधा कप इमली का पल्प ले लिया है जिसके अंदर मैं 2 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इनमें डाल दूंगी। देखिए मैंने 2 टीस्पून शुगर ऐड कर दी है, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और ये पल्प मैं इसके अंदर चनों में ऐड कर दूंगी। मैंने इनको पहले से नमक डाल के थोड़ा सोडा डाल के बॉयल कर लिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी क्योंकि इसमें पहले से भी नमक है जब ये बॉयल हुए थे। ये सब ऐड करने के बाद मैं आखिर में इसके अंदर ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून योगर्ट जो मैंने अच्छी तरह से फेंट के रख लिया था। अब ये ऐड करने के बाद बस हम इसे मिक्स करेंगे और इसके ऊपर हम प्याज वगैरह डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। मज़ेदार खट्टे मीठे से चना चाट हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा ये जो आपको नज़र आ रहा है पल्प की वजह से इसमें थोड़ा सा जैसे जूसीपन आ रहा है, जब आप इसको खाएंगे तो इसमें थोड़ा सा जूसीपन होगा, बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे ये। मज़ेदार चना चाट सफ़ेद चने भी कह सकते हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं हमारे। बस जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसे पहले से बॉईल करके रख लीजिए और जब आपको बनाने हैं आप बस पैकेट निकालें और इसको झटपट तैयार कर लें। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बस आखिर में हमने इसके अंदर हरी मिर्ची डाल दी हैं चॉप की हुई, हरी मिर्ची ऐड कर दीजिए, प्याज ऐड कर दीजिए। प्याज की इस तरह से गोल साइज में काट के इसको आप डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर एक आलू भी बॉयल करके चॉप करके डाल सकते हैं। ये हमने जितना अच्छा गार्निश करेंगे और देखने में भी चीज़ अच्छी लगती है और खाने में भी मज़ा आता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, रेसिपी आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें किचन विद तैना के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हम दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।